जब आप किसी अस्पताल में जाते हैं तो डॉक्टर सफेद कोट पहने आपको दिखेंगे। आप दूर से ही उनके पहनावे की वजह से उन्हें पहचान जाएंगे। ऐसा क्यों है, कभी आपने सोचा है? तो चलिए हम आपको बताते हैं इसके पीछे की वजह और इतिहास क्या कहता है। डॉक्टर के व्हाइट कोट की परंपरा 1930 से चली आ रही है, जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद से प्रचलन में आई थी। 20वीं शताब्दी के बाद में मेडिकल कॉलेज के सभी ग्रेजुएट को व्हाइट कोट दिया गया, जो उनके डॉक्टर होने की निशानी थी। मेडिकल प्रोफेसर ने व्हाइट कोट पहनने की कई वजह बताई थी, जैसे सहकर्मी और मरीज आपको आसानी से पहचान सकें, सफाई का सिंबल, नियमों का पालन, यहाँ तक कि साइकोलॉजिकल बैरियर भी। हालांकि मॉडर्न मेडिकल में सभी इस नियमों को फॉलो नहीं करते। खास तौर पर सर्जन में सफेद रंग स्वच्छता का प्रतीक है। इसके अलावा यह रंग ईमानदारी और पवित्रता का प्रतिनिधि भी है। दुनिया में तमाम सभ्यताओं में सफेद रंग को पवित्र माना जाता है। व्हाइट कलर आंखों को चुभता नहीं है और इससे चिकित्सक अच्छा अनुभव करते हैं। चिकित्सक इसलिए व्हाइट कोट पहनते हैं ताकि उनके सहायक बीमार व्यक्ति भली प्रकार समझ सके। व्हाइट कलर स्वच्छता, विश्वास, शक्ति और शांति का चिन्ह है। अपने सकारात्मक और भावनात्मक लहर के चलते यह कलर बीमार व्यक्ति को अच्छा महसूस कराता है। हॉस्पिटल की तनाव भरी दुनिया में यह कलर पॉजिटिव का प्रतीक है। कलर के अतिरिक्त इन आरामदायक कोट का भी चिकित्सक के लिए काफी महत्वपूर्ण है।